नंबर वन, दाढ़ी रखना मर्दानगी की निशानी माना जाता है। इस बात का लाभ उठाकर इंग्लैंड के सम्राट हेनरी ने 1535 में दाढ़ी पर टैक्स लगाने की शुरुआत की थी। उसकी बेटी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में भी 2 सप्ताह से अधिक दिनों तक दाढ़ी रखने पर वहाँ टैक्स लगाया जाता था। इनकी देखा देखी रूस के पीटर द ग्रेट ने 1724 में दाढ़ी टैक्स की शुरुआत की। टैक्स देने पर एक टोकन मिलता था जो दाढ़ी के मालिक को हमेशा अपने पास रखना पड़ता था। नंबर टू, जेम्स वॉटसन का कहना था कि उन्होंने अपने सपनों में ढेर सारी स्पायर सीरियां देखी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA की शोध की थी। नंबर थ्री, कलकत्ता के जगदीश चंद्र बोस वनस्पति उद्यान में विश्व का सबसे चौड़ा बरगद का पेड़ है जो खुद में पूरे एक जंगल जितना है। यह तो आपको पता ही होगा कि बरगद की शाखाओं में जटाएं जैसी निकलती है जो पानी की तलाश में पृथ्वी की ओर बढ़ती है और जड़ पकड़ लेती है। यह पेड़ 144,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसकी 2,800 से अधिक जटाएं जड़ का रूप ले चुकी है। हालांकि इसकी मूल जड़ के गल जाने के कारण उसे काटा जा चुका है। 250 वर्ष पुराने इस पेड़ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। नंबर फोर, फिलीपींस में हरियाली 17% से घटकर 20% हो गई थी। सरकार ने इसे सुधारने का एक नया तरीका अपनाया है। ग्रेजुएशन लेगेसी ऑफ द एनवायरनमेंट एक्ट के अंतर्गत युवाओं को स्नातक की डिग्री लेने से पूर्व 10 पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया है। नंबर फाइव, कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने पूरे जीवन में कितना चल लेते हो। ये निश्चित है कि सब मनुष्यों को चलने की क्षमता और जरूरत अलग अलग होती है, लेकिन नए सर्वे के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति भी अपने पूरे जीवन में पृथ्वी के 3 बार चक्कर काटने के बराबर तो चल ही लेता है। मतलब जो लोग अपनी नौकरी के कारण, गरीबी या शौक के कारण चलते हैं, उन्होंने तो पृथ्वी के जाने कितने चक्कर लगा लिए होंगे। नंबर सिक्स, क्षेत्रफल के हिसाब से रूस बांग्लादेश से 115 गुना बड़ा है, परंतु बांग्लादेश की जनसंख्या रूस से कहीं अधिक है। दोनों देशों के क्षेत्रफल की तुलना आप इस पिक्चर से लगा सकते हैं। नंबर सेवन, वैसे तो पूरा चांद आधे चांद से दुगना चमकदार होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। आधे चांद से पूरा चांद 9 गुना ज्यादा चमकदार होता है। ऐसा इसलिए है कि पूर्णमासी पर पृथ्वी चांद और सूरज के ठीक बीच में होती है। उस समय चांद पर कोई अंधेरा कोना नहीं बचता जो उसकी चमक को कम कर दे। नंबर एट, जागने के 5 मिनट के भीतर हम अपने 50% सपने भूल जाते हैं और 10 मिनट के भीतर 90%। न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि सपने हमारे दबे हुए थॉट्स हैं और इसीलिए हमारा मस्तिष्क उनसे जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। हालांकि जैसे हम जागते हैं हमारा दिमाग इस्तेमाल होने लगता है और इसीलिए हम जो कुछ भी सपने में देखते हैं उसे भूल जाते हैं। नंबर नाइन, ऐसा माना जाता है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, पर बादाम से ज्यादा आपका दिमाग कितना तेज है या नहीं, ये जेनेटिक्स यानी आपके पूर्वजों और आपके माता पिता की मानसिक क्षमता कितनी थी इस पर भी निर्भर करता है। नंबर टेन, अटलांटिक महासागर के 3 द्वीपों फ्लोरिडा, रिको और बरमुंडा से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है जिसे बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ से गुजरने वाला कोई भी विमान या फिर समुद्री जहाज रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गायब होता होगा, लेकिन यकीन मानिए आज तक ना जाने कितने जहाज बरमुंडा ट्रायंगल की गर्भ में समा गए हैं, परंतु जहाजों का मलबा तो दूर एक दिन का भी नहीं मिला है। इसीलिए ये पृथ्वी का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। इसके कारण इसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सुनने को मिल रहा है कि बरमुंडा ट्रायंगल की मिस्ट्री लगभग सुलझा ली गई है और बहुत भारी समुद्री जहाज इससे होकर गुजरते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बादलों में बहुत तीव्र मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ऐसा होता है, लेकिन आज भी ये मिस्ट्री पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। नंबर 11, जब आप शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए जाते हैं तो अक्सर आपको धीमा संगीत और क्लासिकल म्यूजिक सुनने को मिलता है। दरअसल धीमा संगीत लोगों को आराम से खरीदारी कराता है और अधिक खर्च कराता है, जबकि क्लासिकल म्यूजिक लोगों को अधिक महंगी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पेड़ इतना ठंडक पैदा करते हैं जितना एक AC 10 कमरे पर 20 घंटे चलने पर होता है। नंबर 13, LPG गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रुपए का बीमा मिलता है। अगर किसी दुर्घटनावश आपके गैस सिलेंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 लाख रुपए तक का जुर्माना मिल सकता है। नंबर 14, भारतीय ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर आप पर दिन में एक बार ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना लग चुका है
तो ट्रैफिक अधिकारी बाकी पूरे दिन आप पर किसी ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना नहीं लगा सकते। नंबर 15 1861 के पुलिस एक्ट के अनुसार भारतीय पुलिस ऑफिसर 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। अगर आप किसी पुलिस अधिकारी को रात को भी मदद के लिए बुलाते हैं तो उसके पास खुद को ऑफ ड्यूटी बताकर आपकी मदद करने से मना करने का अधिकार नहीं है। नंबर 16 अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार लेकर आपके पैसे वापस नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 वर्ष का समय होता है। नंबर 17 एक महिला को सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। अगर किसी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो उसके पास मना करने का अधिकार है, और जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसको फांसी नहीं दी जा सकती। नंबर 18 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने आखिरी समय में जो अंतिम शब्द बोले थे वे आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी शब्द जर्मन भाषा में बोला था और ये जिस नर्स से कहा था वह जर्मन भाषा नहीं जानती थी। नंबर 19 सपने में हमको कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि अगर सपने में हमें गंदा पानी दिखता है इसका मतलब है कि आप सेहतमंद नहीं हो, क्या आपकी तबीयत खराब होने वाली है। नंबर 20 जब आप अपना वजन बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो उससे आपकी फैट सेल्स गायब नहीं होती है, वे सिर्फ आपके वजन के अनुसार अपना आकार बदलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।